पुलिस ने बीते 7 माह पूर्व एक घर में हुई चोरी का खुलासा किया है। दरअसल मामले में पुलिस ने युवती और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी युवती ने बताया कि वो आभूषण बेचकर अपने प्रेमी से शादी रचाना चाहती थी, इसलिए उसने आभूषणों को चोरी किया है। बहरहाल पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश किया है। बता दें कि बीते मंगलवार को मानपुर रोड निवासी नीलम सुंठा पत्नी ने पुलिस को तहरीर दी थी, जिसमें बताया था कि 5 जनवरी 2024 को उनके घर पर लाखों रुपए के सोने के आभूषण चोरी हो गए हैं। पीड़िता ने घर में काम करने वाली नौकरानी पर चोरी का शक जताया था। पीड़िता द्वारा तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। काशीपुर से अतुल तिवारी की रिपोर्ट। मैनुअल तरीके से विपुल जोशी के द्वारा इसमें काफी अच्छा काम किया गया, तो ये निकल के आया कि जब पिछले 9 महीने में ये लोग कहीं गए भी नहीं और इनके घर का कोई दरवाजा या खिड़की या कोई ऐसी चीज टूटी नहीं है, तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि इनके घर के अंदर आना जाता है और उसी के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। तो उसमें फिर इनके घर की जो मेड है उस पर इन्होंने फोकस किया और संयोग से एक दिन उसके द्वारा जो पहने हुए आभूषण थे जो कि कान में उसने पहन रखे थे और इन्होंने चुपके से उसकी जब उनको शिनाख्त कराई उनके द्वारा आइडेंटिफाई किया गया। जब सख्ती से पूछताछ की गई तो इनके घर में काम करने वाली मैंने इस बात को स्वीकार किया कि वो एक लड़के से प्यार करती थी और वो उसके साथ अपनी गृहस्थी बसाना चाहती थी, इसलिए उसने एक दिन मौका देख करके इनके घर से और हाथ साफ किया और उसके यहाँ से आभूषण चोरी कर लिए। इस प्रकार से काफ़ी अच्छा काम किया विपुल जोशी कटोरा ताल चौकी छान में और 100% इसमें इनके जो आभूषण है उनकी बरामदगी हमने की गई है और साथ ही इसका जो प्रेमी है जो कि इस घटना को छुपाने में और ये जो महिला है इसने चोरी करी थी इनकी हमने अरेस्टिंग करी है और आज इनको माननीय न्यायालय के समक्ष हमारे द्वारा पेश किया है।